कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास होती हैं, बल्कि तंत्र में इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है जो बेहद ख़ास होती हैं और जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और आपको बता दें कि बाहर निकलने से ही नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, वह ऑरा पर प्रभाव डालती हैं। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वे धन को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वे मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जितनी भी संसार में अदृश्य शक्तियां होती हैं वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में ही सुखद महसूस करता है। जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है और वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऑरा पर प्रभाव डालती हैं और वह खुद में सुख को अनुभव करता है। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जाएं जिस प्रकार ऑरा पर प्रभाव डालती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहाँ पर नकारात्मकतियों का वास होता है तो आप खुद ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। और ये चीज सभी लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर ही महसूस की होती है। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी सी उत्पन्न मन में होने लग जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सीधा ऑरा पर प्रभाव डालती हैं और ऑरा आपसे आपका खुद का जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझें जिससे यह जानकारी का लाभ आप उठा पाएं। सभी बातों को सुनना जानना बेहद आवश्यक होता है, तभी यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। हम अपने हर वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है, इसीलिए सभी जानकारी को सुना करें जिससे आप भी समझ पाएं कि किस प्रकार यह चीजें कार्य करती हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें जिससे जब भी वीडियो आती है तो यह वीडियो समय पर आपको सबसे पहले मिला करे। जिस प्रकार इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी ऑरा होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता जाता है और जिस भी चीज की वह कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज की प्राप्ति होती ही है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव हैं, इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात ये देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज से पीछे हटते नहीं हैं और उन्हें अंदर से ही ये लगता है कि वो हर चीज को कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज जो ना हारने वाली होती है ये बहुत ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी होती तो है लेकिन इन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने काफी वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, इसी प्रकार हर एक चीज का भी अपना ऑरा होता है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है और एनर्जी जो होती है वही ऑरा से रिलेटेड होता है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, क्योंकि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ये ऑरा पर, एनर्जी पर ही बेस्ड होती हैं और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास सात रंगों का, जैसे रेनबो होता है उसी प्रकार सात रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। अगर सात रंगों में से यानी कि सात चक्रों में से किसी में भी कोई ना कोई गड़बड़ होती है तो बस उसके जीवन में परेशानी होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज्यादा हानि होती है, धन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, कर्ज उसके जीवन में बहुत बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वह धन का स्थान होता है, यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं
और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वो येलो होता है, यानी कि जब भी किसी के आभा मंडल में यह रंग खराब हो जाता है तो उसके जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। इसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वह अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है। शत्रुओं से हमेशा घबराया हो रहता है, चिंता में रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा ही लगातार ही परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार जो चक्र होता है यह महाकाली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में ही भय बन जाता है, क्योंकि महाकाली के साधकों की आंखों में ही ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वे केवल अपने शत्रु की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखा करें कि पीली हल्दी आपको अवश्य ही अपनी जेब में रखनी चाहिए। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये गुरु ग्रह की कारक वस्तु है, भगवान विष्णु की कारक वस्तु है, तो इस चीज के प्रभाव से आपके ऑरा पर प्रभाव पड़ता है जिससे किस्मत बलवान बनती है। आपको ये भी बता दें कि पीली हल्दी की जो गांठ होती है उसे बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। इसलिए कहा भी जाता है, पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते भी थे कि नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगा लेते थे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है, तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप ये भी लगा सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं धन से जुड़े हुए वह निश्चित ही दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप जाते हैं वहां शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, वह दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं, कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। आजकल के जमाने में सभी लोग इसीलिए बहुत सारी चीजों को करते हैं, तरह तरह की चीजों को करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान की समाज में प्राप्ति हो सके। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केसर के तिलक को रोजाना लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि कोई भी फिर शत्रु आपका नहीं बन पाएगा। जो शत्रु आपके हैं भी वो आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में जहां पर थर्ड आई होती है, वहां पर अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसीलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो रिंग फिंगर है उसी से तिलक लगाते हैं, तो आपको ये भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहें, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहें, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ये भी आपको बता दें कि ये जितनी भी उंगलियां होती हैं उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसी में सभी तत्व वास करते हैं, इसीलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि कई तरह की बीमारियां भी ठीक की जाती हैं। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछते हैं कि उन्हें मन में हमेशा ही चिंता, घबराहट होती है, वह किसी से भी बात करते हुए डर लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना बस शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाता है और शत्रु भी फिर आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि काफी बार बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं ऑरा को बिगाड़ देती हैं, तो इसीलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद आवश्यक होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तिलक का क्या महत्व होता है, किस प्रकार कौन कौन सी उंगली से अलग अलग परेशानियों के लिए लगाया जाता है। अगर इस वीडियो में बताएंगे तो यह जानकारी, यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही इस बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजों को बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे और सभी जानकारी आपको समय पर मिला करे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।